के ना आए, क्योंकि जो 2-3 साल पुराने लोग थे दिल्ली में वो सोच रहे होंगे हम दिल्ली वाले हैं कि बाहर वाले, हमें ये नहीं पता। हाँ, कि वो कंफ्यूज हैं अब, वो माइग्रेंट लेबर में अपने आप को गिने कि इसमें गिने। जो केजरीवाल की डेफिनेशन है ना दिल्ली वालों की, वो जो दिल्ली हॉस्पिटल की बात हो रही है ना, वो कहते हैं किन लोगों को हॉस्पिटल मिलना चाहिए दिल्ली वाला। दिल्ली वाले वो लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में आधार कार्ड है, चाहे आप 6 महीने से रह रहे हो चाहे आप साल से रह रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड दिल्ली वाला। बाकी स्टेट्स में डोमिसाइल की डेफिनेशन डिफरेंट है, जैसे कि आप 10 साल से रह रहे हो तो डोमिसाइल कहलाओगे। जैसे दिल्ली में पहले डेफिनेशन ये थी जब मैं अपना मेडिकल एग्ज़ाम दे रहा था, जिसने 10वीं 12वीं दिल्ली से पास की है वो दिल्ली का डोमिसाइल है और वो DPMT दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट मनोरंजन वगैरह दे सकता है, दैट वॉज द डेफिनेशन। वैसे बात भी सही है उसकी, अब वैसे वो भी आ गए वन नेशन वन राशन कार्ड, बट ये चीज़ ना बड़ी लेट हुई है। इसे काफ़ी, जैसे अभी इंडस्ट्री आती है तो गुजरात वाले वाइपर्ट गुजरात अलग कर रहे हैं, कर्नाटका अलग कर रहे हैं, इसको लेके ना पूरा एक सिंपल सेम होना चाहिए, वन नेशन वन पॉलिसी, कि लैंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिलवाना, स्टेट गवर्नमेंट को देनी ही देनी है। नहीं, अब देखो कुछ चीज़ें ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। अब जैसे उस दिन वो नहीं है पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर, वो कह रहा था कि हाउसिंग के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा रोल है, इन ए सेंस वो जो रजिस्ट्री करते हो उसका जो होता है ना उसका पैसा भी उसको जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही लैंड के अधिकार है, किसको लैंड देनी है किसको नहीं देनी, कितना सरफेस एरिया फ्लोर रेशियो रखना है, ये सब चीज़ें उसके अंडर आती हैं। बहुत सारे जो हाउसिंग कंपनीज है ना उनको स्टेट से ही जूझना पड़ता है विद रिगार्ड टू दिस लॉ, यूनियन गवर्नमेंट उसमें आती नहीं। तो इसलिए जब घर वगैरह बिकते नहीं हैं तब भी स्टेट गवर्नमेंट का लॉस होता है, जब जा बिके तो फ़ायदा भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग में स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितने बड़े बड़े रियल इस्टेट वाले हैं, अब जितना बड़ा नेता हो उसके दाम ज़्यादा होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के नेता लोगों को पटाना ड्राइव करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हायर मिनिस्टर्स, क्योंकि उनके रेट ज़्यादा होते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये सारे लॉकडाउन की बातें कर रहे ये डिबेट बहुत लंबी खिंचने वाली है, लॉकडाउन से फ़ायदा कितना हुआ नुकसान कितना हुआ। अभी इंडिपेंडेंस के बाद अब हिस्ट्री बुक में नेक्स्ट चीज़ लॉकडाउन आने वाली है। हाँ, पहले इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस होता था, अब एक इंडिपेंडेंस का देखना 2020 हिस्ट्री और ऐड हो जाएगी लॉकडाउन। अभी तो एक टॉपिक चेंज हो गया, फिर से दोबारा कोरोना वायरस का टॉपिक शुरू हो गया, बीच में टॉपिक होता है कि चाइना के लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री चाइना से इंडिया में आ रही है, तो वो टॉपिक तो बैक सीट पे चला गया। अभी तो टॉपिक कोरोना वायरस है, अभी तो तुम इससे निपट लो, बाद में बाकी बातें करना। और ये जो केजरीवाल जो कर रहा है ना, ये आनंद फानंद में नहीं कर रहा, ये मुद्दा बहुत पुराना है कि दिल्ली के हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होने चाहिए। आफ्टर दिल्ली गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सब करोड़ ऑफ रुपीज़ विच इज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी ऑफ दिल्ली, क्योंकि इसको वोट मिले दिल्ली से, हरियाणा और यूपी वालों ने थोड़ी वोट देने हैं। अब दिल्ली वालों को हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, सड़कों में मर जाएंगे, तो किसको होगा? सारी गोलियां जो है ना कि सारी जो वो है ना सब उसी पे चलेंगी केजरीवाल पे। इसे में बेसिकली सारे अपना अपना ना फ्यूचर कावर्ड कर रहे हैं, अभी भी सब कुछ वही चल रहा है। गंदी पॉलिटिक्स से अभी कोई बाहर ही नहीं आ रहा।
आज बारिश पक्का होगी 100%। मैं तेरे को बता रहा था ना अर्थक्वेक वाली बात, उसमें स्टडी आई है कि दिल्ली में इतने सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं, भले छोटे छोटे आ रहे हैं, एंड देयर हैज बीन नो लॉस टू लाइफ एज ऑफ नाउ, बट दिस स्मॉल स्मॉल अर्थक्वेक मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिलो द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट दिल्ली के, विच कैन लीड टू लार्जर कैटास्ट्रॉफी मे बी पॉसिबल। बट इसकी सिस्मिक साइंस इतनी आसान नहीं है प्रिडिक्शन करना, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एवरी पॉसिबिलिटी। वैसे ये सरकारी लोग हैं, जैसे हम लोग घूमने का सोच रहे हैं, सरकारी लोगों के पास तो वैसे भी पीस ऑफ माइंड होता है, इसे मैं वो भी सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं घूमने फिरने की। शिमला देहरादून नहीं जा रहे होंगे तो एटलीस्ट कहीं तो घूमने जा रहे होंगे, लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? नहीं, इस बार वैसे भी हमारे सीईओ का भी आया है कि इस बार लोग वर्ल्ड ट्रैवल कम होगा ना, लोग इंडिया से बाहर कम ट्रैवल करेंगे, तो सर डोमेस्टिक ट्रैवल में इंक्रीज़ होगा, डोमेस्टिक ट्रैवल में इंक्रीज़ होगा नंबर वन, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मसूरी जो कमर्शियल प्लेसेस हैं, पीपल विल बी गोइंग टू एरियाज लाइक रिसॉर्ट, रिसॉर्ट खुला डुला है, रिसॉर्ट में एंट्री आप कंट्रोल कर सकते हो, एट पर्टिकुलर मोमेंट रिसॉर्ट में कितने लोग हों वो डिसाइड कर सकते हो, आपके रूम्स अपने अपने हैं, फैमिली अपनी अपनी है, रिसॉर्ट में एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, टूरिस्ट बस में लोगों को बिठाओ और पूरा मसूरी का चक्कर लगवा दो या कहीं का भी चक्कर लगवा दो, बैक टू स्क्वायर वन, और कहीं बस वो बोलो उतरना कहीं नहीं है, बस से ही देखना है, जहाँ पर रुकना है बस वो एक लिमिट की जगह होनी चाहिए, दैट्स इट, जहाँ पर क्राउडिंग ना हो, दैट्स इट, हो गया, समथिंग लाइक दैट। जो ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग हैं ना, ये बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, ये अपना कोई ना कोई पैकेज सिस्टम या ऐसा कुछ निकाल लेंगे, जब रेस्टोरेंट चल सकते हैं तो ये भी चल जाएगा धीरे धीरे, सब लोग अपने तरकीबें में निकाल रहे हैं कुछ ना कुछ। चलते हैं आज कहीं घूमने, चलते हैं, एटलीस्ट कार में तो चक्कर मार ही सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इधर चलते हैं, इधर अपने आप में फिटनेस स्पॉट है, साफ है, तो हवा ने साफ कर दिया, बाकी एकदम वो करा। अभी तो अच्छा है दिल्ली में लोकस्ट नहीं आई, टिड्डी दल आ गया होता है दिल्ली की ऐसी ऐसी हो जाती है, दो दिन में आ रही है, वो डाइवर्ट होगी कहीं पे, हवा का चक्कर हो गया कुछ, गॉड नोज इट, पता नहीं कहाँ करनाल ले जा रहे हैं, अपने आप में हॉट स्पॉट है हमारा, ये पिकनिक स्पॉट नहीं, ऐसी कहीं जगह भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं जो बिहार से हैं, तो जो डॉक्टर दोस्त बिहार से हैं ना, एक्चुअल में क्या है कि इतने सालों से वो लोग दिल्ली में हैं, मतलब कुछ सोच के दिल्ली में आए थे, अब उनका थोड़ा प्लान चेंज हो रहे हैं। नहीं तो देखा है तो सारे हम जैसे न्यूयॉर्क है वैसे दिल्ली है, सारे तो हम बाहर से आए हैं, चाहे कोई 20-25 साल पहले आया था, जैसे हम लोग 35 ईयर्स पहले आए थे, अब हम भी तो बाहर ही से आए थे, लेकिन हाँ दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, कोई 35 कोई 30 कोई 25 कोई, ओरिजिनल दिल्ली वाले तो कोई है ही नहीं, कोई दिल्ली वाला ओरिजिनल है नहीं, बहुत दिल्ली, किसी से पूछो कोई 5 साल पहले आया, कोई 10 साल पहले आया, कोई 15 साल पहले आया, 20 साल वाला है, मैक्सिमम 50 साल पहले, सिर्फ मुश्किल से मैं कहता हूँ 30% दिल्ली वाले वो होंगे जो 1947 से दिल्ली में रह रहे हैं और यहीं पे पले बड़े हैं और यहीं पे अभी भी रह रहे हैं, दैट मीन्स 30% ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट मोर देन दैट, सारे बाहर से तो आए, 70% लोग 47 के बाद ही आए हैं, और कब आए हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
मैं तो बता रहा था ना, मेरे डॉक्टर दोस्त हैं अब बिहार से हैं। अच्छा, अब ये जो लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो बिहार से होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों चाहे कोई भी हो, अपने बिहार से निकलाते हैं या यूपी से निकलाते हैं या उड़ीसा बंगाल से निकला है, दिल्ली में आ गए, सेटल हो गए। अब उनको दिल्ली की ना एक वो लग जाती है, कल्चर की हवा, एक मज़ा, एक मस्ती, एक एडिक्शन। यहाँ पर आते हैं जो जो बिहार के लोग वहाँ घूंघट करते हैं, इतना सब कुछ वो करते हैं, दिल्ली में आके वो स्कर्ट पहनना शुरू कर देते हैं, वो थोड़े मॉड हो जाते हैं, मॉल्स में जाना, ये करना, वो करना, गर्ल्स भी थोड़ी एडवांस हो जाती हैं। अच्छा, अब मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे ऐसे बिहार चलते हैं, एक तो जा रहे हैं, एक बाकी लोग प्लान कर रहे हैं। अब उनकी बीवियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्यों, अब बिहार में जाएंगे, अपनी स्टेट में जाएंगे, अच्छा उनके रिश्तेदार घर पे आएंगे, फिर वहाँ पर फिर वही घूंघट पर्दा, मेरे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, कंजर्वेटिज़म आ जाती है, दिल्ली में रखते हैं वो एक्स्ट्रा मॉड हो जाते हैं, तो उनकी वाइफ रिजिस्ट कर रही होती हैं, उनकी वाइफ बोलती नहीं नहीं अभी दिल्ली में रहते हैं, फिर आपस में ना कश्मकश थोड़ी सी रहती है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे जो यूपी बिहार के उनके साथ प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोग भी हैं, दिल्ली बहुत अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी है, पॉल्यूशन है, कुछ भी है, अब हम तो दिल्ली वाले हो गए, बट जिनकी रूट्स अभी भी बिहार में हैं, यूपी में हैं, उनको दिक्कत आती है। मेरे को याद है बचपन में हम लोग लुधियाना में थे ना, रोज़ गार्डन में, तो मैं ऐसे था फर्स्ट क्लास में, डैडी ऐसे घूमते थे पार्क में ना, उसके ऊपर चढ़ चलो ना, उसके चढ़ने के बाद चलो,